अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए दो टाइप की फ्रैपेचिनो की रेसिपी लेकर आई हूँ, एकदम कैफे स्टाइल फ्रैपेचिनो। सबसे पहले हम कैरेमल फ्रैपेचिनो बनाएंगे। इसके लिए हमें शुगर कैरेमल बनाना है, तो इसके लिए मैंने हाफ कप शुगर ली है और उसमें एक टेबल स्पून पानी ऐड किया है। इसके लिए हमें एक मोटा बर्तन लेना है और गैस को शुरू से ही हम लो फ्लेम पर रखेंगे। इसे हाई फ्लेम पर रख के नहीं पकाना, शुगर का टेम्परेचर बहुत जल्दी हाई हो जाता है और वो जलने लगेंगी, इसीलिए शुरू से हमें लो फ्लेम पर रख के ही पकाना है। और देखिए, हम शुरू में इसको ज़रा भी टच नहीं करेंगे, ज़रा भी हिलाएंगे नहीं। जब इस तरह से थोड़ा सा लाल होने लगेगा ना ये कैरेमल, तब हम इसे मिक्स करेंगे। और गैस हमें शुरू से आखिर तक लो ही रखनी है। देखिए, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें एक टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे। बटर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस वक्त इसे हिलाने से ये होगा कि इसके अंदर अगर किधर शक्कर के क्रिस्टल्स भी बच गए होंगे, वो भी मिक्स होकर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे, इसीलिए इस वक्त हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें क्वार्टर कप के जितना हम मिल्क ऐड करेंगे। आपके पास मिल्क अवेलेबल है तो आप मिल्क ऐड कीजिए, वरना आपके पास अगर फ्रेश क्रीम अवेलेबल है तो आप क्वार्टर कप उसमें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। उससे रिज़ल्ट में ऐसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, मिल्क डालने से भी कैरेमल बहुत अच्छा बनता है। इस वक्त हमें गैस को ऑफ कर देना है, शुगर का टेम्परेचर बहुत हाई है, वो अपने टेम्परेचर में ही पकती रहेंगी। ये कैरेमल अब हमारा रेडी है, ये आप देख सकते हैं हमारा कैरेमल कितनी अच्छी तरह से रेडी हुआ है। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करके ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा कैरेमल भी ठंडा हो गया है। अगर आपका कैरेमल जम जाता है तो उसे थोड़ी देर 20 से 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए। तो चले हम कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मिक्सर के जार में मैंने एक कप आइस लिया है, साथ ही ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा 200 ml के जितना मिल्क है, मिल्क ऐड करेंगे। साथ ही 2 tablespoons शक्कर ऐड करेंगे, 2 teaspoons कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हम 1 tablespoon के जितना हमारा प्रिपेयर किया हुआ कैरेमल सिरप ऐड करेंगे। और इसे हाई स्पीड पर मिक्सी के जार में चर्न करके लेना है हमें। हमारे जो आइस है वो अच्छी तरह से क्रश होना चाहिए। साथ ही जिस ग्लास में हमें सर्व करना है उसे हम साइड से, अंदर की साइड से हम थोड़ा सा कैरेमल सिरप लगाएंगे ताकि उसे बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाए। हमें कॉफ़ी को हाई स्पीड पे चर्न करना है ताकि हमारे जो आइस है वो क्रश हो जाए, जिस तरह से आइस गोले में क्रश्ड आइस होता है और थोड़े छोटे छोटे चंक्स उसके मुंह में आते हैं, हमें उतना आइस को क्रश करना है मिक्सी के जार में, और वो ऊपर से थोड़ा सा फ्रॉदी भी हो जाता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना फ्रॉद आया है इस कॉफ़ी के ऊपर। यह हमारी कैफे स्टाइल कैरेमल फ्रैपेचिनो रेडी है। इसे हम व्हिप्ड क्रीम से गार्निश करेंगे तो इसे एकदम कैफे स्टाइल ही लुक आएगा। ये देखिए, हमारी कैफे स्टाइल फ्रैपेचिनो रेडी है। आप इसे घर में बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से कैरेमल सिरप के साथ। यह हमारी कैरेमल फ्रैपेचिनो रेडी हो गई है। तो चले अब हम मोका फ्रैपेचिनो की तैयारी करते हैं। इसके लिए भी हमें 1 cup आइस लेना है, साथ ही 200 ml मिल्क ऐड करेंगे इसमें।
फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनेला एसेंस ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून चॉकलेट सिरप ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून ही शक्कर ऐड करेंगे इसमें भी, और 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून वेनेला आइसक्रीम ऐड करेंगे। वेनेला आइसक्रीम से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, और इसे भी हाई स्पीड पे मिक्सी में चर्न करके लेना है, बिल्कुल वैसे ही फ्रॉदी होने तक और आइस के क्रश हो जाने तक। साथ ही इस ग्लास को भी हम डेकोरेट करेंगे चॉकलेट सिरप के साथ। ये देखिए, हमने इनर साइड से चॉकलेट सिरप से उसे डेकोरेट कर दिया है। इसमें हमारी कॉफ़ी ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप कितनी फ्रॉदी कॉफ़ी बनी है, बिल्कुल कैफे स्टाइल टेक्सचर आया है इसका। इसे हम थोड़े से वेनेला आइसक्रीम से गार्निश करेंगे। ये हमारी रेडी है मोका फ्रैपेचिनो, आप इसे ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। दोनों भी कॉफ़ी बहुत ही इंस्टेंटली और घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट के साथ बन जाती है।